हैरान तो मैं भी हूँ कि इतना बड़ा मसला इतनी आसानी से सेटल कैसे हो गया। हाँ, मेरे दिल में भी यही बात थी। लेकिन भाई अच्छा नहीं लगा कि दिलावर ने ये सब करवाया। पापी कितना परेशान थी हमारे लिए और हमें अंदाजा तक भी नहीं होने दिया। वाकई वो हमारे चेहरों की परेशानी देखकर तड़प जाती है, हमारा दुख उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो घर में है तो लगने लगा है कि अम्मी का साया हमारे सरों पे मौजूद है। वो बात तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों दिलावर से गैरों वाली फीलिंग आती है भाई। तुम्हारी बात ठीक है हसन, लेकिन वो दिल का बुरा इंसान नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सबने नाश्ता कर लिया हो और हमारी बहन ने ना किया हो? जाओ जल्दी से नाश्ता। क्या जरूरत थी दिलावर के सामने आके ड्रामे रचाने की और तस्वीर बहाने की? क्यों ओपी? क्या जरूरत थी रिश्ते बनाने की उससे? उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, इज्जत दी मुझे, बस बेख्तियार दिल चाहा कि मेरा भी कोई बड़ा भाई होता। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं आपी कि मैंने उन्हें अपना भाई कहा? तो साकिब को कह लो ना भाई। हाँ बस बहुत हमदर्दियां समेट ली तुमने दिलावर की, आइंदा उसके सामने नहीं आओगी तुम और ना ही उससे कोई बात करूंगी। आपी मैं तो सोच रही थी कि जब जब दिलावर भाई यहाँ आएंगे मैं उनके सारे काम अपने हाथों से किया करूंगी। अच्छा, जिस तरह अपनी माँ को जहर देके मार डाला, दिलावर को भी मारना चाहती हूँ? हाँ यही चाहती हूँ ना तुम कि एक दिन उसको भी मार दो। क्या बात कह रही, मैं अपनी माँ को जहर दूंगी? हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ की मौत जहर खाने की वजह से हुई थी और मैं सब घरवालों के सामने इस बात का सबूत दे सकती हूँ कि तुम ही ने मारा है अपनी माँ को जहर देके। गुल, उन्होंने जो भी कहा है गुस्से में कहा है। तुम उनके पास जाओ, प्यार से बात करो, उन्हें मनाओ, खाना खिलाओ, देखना मान जाएंगी। मैंने ट्रे में खाना रख दिया है, टेबल पे से ट्रे उठाओ, ऊपर ले जाओ और सुनो, अपने हाथ से खाना खिलाना उन्हें और खुद भी खाना। हुँ? अपना गुनाह छुपाकर मुझ पर इल्जाम लगाया था, अब जल्दी भूनती रहो, गुम रहो अपनी सोचों में और इसी तरह एक दिन मर जाओ तुम। ऐसे कैसे चले गए खुर्रम भाई? बेटा इमरजेंसी हो गई थी ना। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी जो सुंदर सापी को नहीं लेके गए? बेटा सुंदर सापी के अभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो वो कैसे जा सकती थी? इतनी खुश थी सुंदर सापी, अब खुर्रम भाई के जाने के बाद उदास हो जाएंगी। पता है मुझे बेटा, लेकिन तुम अपनी आपी को बिल्कुल भी उदास ना होने देना, खुश रखना उन्हें, ठीक है? खुर्रम से बात हुई है, वो एयरपोर्ट पहुंच गए और बता रहे थे कि आंटी अभी तक इमरजेंसी में ही है। अल्लाह खैर करे, जल्दी से आंटी ठीक हो जाए और वो वापस आ जाए। आप फिक्र नहीं करें सुंदर साहबी, मैं दुआ करूंगी कि खुर्रम भाई के मामा बिल्कुल ठीक हो जाए। आमीन, थैंक यू। इतने से दिनों में इन्होंने बहुत सारी बातें की थी मुझसे, वीडियो कॉल्स पे देख के मुझे खुश हुआ करते थे और आंटी आंटी कितनी बेचैन थी कि मैं किसी तरह से उनके पास पहुंच जाऊं। अल्लाह ताला उनको को सही सलामत रखे। इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह की जो मर्जी, तुम परेशान बिल्कुल भी ना होना, जो ही उनकी तबीयत ठीक होगी खुर्रम तुम्हें लेने आ जाएगा बेटा। लेकिन एक बात तो अच्छी हो गई, अब सुंदर साहब हमारे से ज्यादा दिन तक रहेंगी। हमें
कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। तो आप सुबह से अपने कमरे में क्यों थे? नाश्ता भी आपने कमरे में मंगवा कर किया, क्यों भाभी? दिलावर भाई आए हुए थे तो बस आप ही ने मुझे मना किया कि उनके सामने ना ना ही उनसे कोई बात करूं। वो तो शाम तक यहीं रहेंगे, और मना तो उसे किया जाता है जिसके दिल में मैल हो। नहीं, वो तो अच्छे इंसान है, मुझे यकीन है कि वो तो हमें बहनों की तरह समझते होंगे। समझते होंगे नहीं भाभी, समझते हैं। आज उन्होंने मुझसे अम्मी की ताजियत की, मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे बहन बना ली। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो हसन का दिल भी तुम्हारी तरफ से साफ हो गया होगा। बस भाभी आप दुआ करें कि हसन का दिल भी मेरे लिए साफ हो जाए, मम्मी के बाद बहुत अकेली हो गई हूँ मैं। गुल, तुम खुद को अकेला मत समझो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बल्कि मुझे इस बात पे भी यकीन है कि हसन भी तुम्हारे साथ हो जाएगा। जब डॉक्टर ने आकर मुझे कहा कि अम्मी नहीं रही, छोड़कर चली गई मुझे, तब मैं अपने होश और आवाज खो चुकी थी भाभी, शायद बेहोश हो गई थी मैं। कि भाभी मैं जानना चाहती हूँ कि अम्मी को क्या हुआ था, ऐसे कैसे चली गई वो अचानक मुझे छोड़कर। बताए ना भाभी क्या हुआ था अम्मी को, मैंने तो आप ही पर ऐसे इल्जाम लगा दिया था, शायद गुस्से में थी मैं होश और आवाज खो चुकी थी। आप ही बताएं ना अम्मी की डेथ कैसे हुई, क्या हुआ था उन्हें, प्लीज भाभी मैं जानना चाहती हूँ, बहुत असीयत में हूँ मैं। वो डॉक्टर ने कहा था कि जहर खाने की वजह से हुई थी। देखो गुल, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, आंटी के लिए सिर्फ दुआ करो। खाने में जहर तो मैंने तुम दोनों माँ बेटी के लिए मिलाया था, लेकिन इसे तुम्हारी खुशकिस्मती कहें कि बदकिस्मती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, आज जल्दी आ गए? बस वो ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं था तो मैंने सोचा घर चला जाऊं। कहाँ है सुंदर सर? उमर? उमर के कमरे में है, अलमारी सेट करवा रहे हैं उससे। अच्छी बात है, सुंदर का भी दिल लगा रहेगा, नई नई शादी है, खुर्रम चला गया है, पता नहीं परेशान ना हो रही हो। ये निकाह भी कितना खूबसूरत रिश्ता है ना, पहले शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी और अब सारा टाइम खुर्रम और उसकी फैमिली की तारीफें करते नहीं थकती। अल्लाह का शुक्र है इज्जत रख ली उसने, सुंदर से मैंने खुर्रम की जिम्मेदारी ली थी, समझाया था उसे कि बहुत अच्छा लड़का है, जिम्मेदार है, उसका ख्याल रखेगा, बस अल्लाह दोनों को खुश रखे। आमीन। बेटा तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर। ये बात आप बार बार बोलकर मुझे शर्मिंदा क्यों करती हैं? सारे काम अल्लाह करवाता है, हम तो सिर्फ वसीला बनते, और मुझे खुशी है कि इस नेक काम का वसीला मैं बना। और ये नेकी तुमने अपने हिसाब में लिखवा ली है अल्लाह से। आपको ऐसा लगता है तो शायद ऐसा ही हो। बेटा मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे पे वो रौनक लौट आए, इस घर में खुशियां ही खुशियां वापस आ जाए। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बात कही थी? कौन सी बात? शादी कर लो बेटा। मैं समझ सकती हूँ बेटा कि राबी के जाने के बाद तुम किस अजियत से गुजर रहे हो, माँ और बेटी को भुलाना इतना आसान नहीं है। देखो बेटा इतनी लंबी जिंदगी है, तुम अकेले कैसे काटोगे? आंटी उमर है ना मेरे पास। ठीक है बेटा, लेकिन वो बच्चा है, वो बड़ा हो जाएगा तो अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो जाएगा, फिर उसके पास टाइम ही नहीं होगा तुम्हारे लिए। देखो बेटा तुम्हें एक साथी की जरूरत है। जिस हाल में हूँ बस खुश हूँ।
तुम मेरी खुशी मेरा अरमान पूरा नहीं कर सकते बेटा। इनकार करके मुझे दुखी करना चाहते हो। देखो बेटा, खुर्रम जब वापस आ जाएगा तो उसके आने से पहले मैं तुम्हारी अच्छी सी समझदार सी दुल्हन देख लूंगी। आंटी आप ऐसा नहीं करेंगी। और सुंदस के जाने से पहले उसको दुल्हन बनाकर इस घर में ले आऊंगी। तुमने भी कुछ नहीं खाया है और वो भी भूखी हैं। टेबल पे से ट्रे उठाओ, ऊपर ले जाओ, अपने हाथ से खाना खिलाना उन्हें और खुद भी खाना। नमक थोड़ा ज्यादा नहीं है? नमक ज्यादा नहीं है, आपका मूड खराब है। अच्छे मूड से खाएंगी ना तो खाना अच्छा लगेगा। क्या क्या मिला है इस खाने में? तुम्हारी माँ की मौत जहर खाने की वजह से हुई और मैं सब घरवालों के सामने इस बात का सबूत दे सकती कि तुम ही ने मारा है अपनी माँ को जहर देके। आप ही बताएं मम्मी की डेथ कैसी हुई? डॉक्टर ने कहा था कि जहर खाने की वजह से हुई थी। खाने में जहर तो मैंने तुम दोनों माँ बेटी के लिए मिलाया था, लेकिन इसे तुम्हारी खुशकिस्मती कहें कि बदकिस्मती। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओगे। तो तुम मेरी फैमिली से मिलना चाहती हो और तुम मिलवाना नहीं चाहते। शायद तुमने छुपाया हुआ है अपनी फैमिली से कि तुमने मुझसे शादी कर ली है, इसीलिए डरते हो हमारे लेकर जाने से। ना मैं डरता हूं ना छुपाया, सबको बताया गया। अपनी बीवी को भी? हाँ। लड़ी नहीं तुमसे? शिकायत नहीं की उसने? उसकी तमाम जरूरतें पूरी होती हैं, आराम से रह रही है। मेरी शादी पर वो मुझसे लड़े या शिकायत करे, ये हिम्मत नहीं दी मैंने रजिया को। रजिया नाम है उसका, बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, वो तो सिर्फ मेरे बच्चों की माँ है। यही मुकाम यही हैसियत बहुत है उसकी। अगर मैं उसके सामने जाऊंगी तो क्या वो मुझसे बात करेगी? बात भी करेगी और तुम्हारी खिदमत भी करेगी। की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे हुक्म से इनकार कर सके या अपनी मर्जी कर सके। शादी के बाद तक सिर्फ अस्पताल गई है, माँ के घर जाने की भी इजाजत नहीं है उसे। हाँ मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, जब उसके घर वालों का दिल चाहे उससे मिलने आ सकते हैं। दिलावर कहीं बाहर गए? नहीं बीबी जी, दिलावर साहब और गौहर बीबी दोनों अपने कमरे में हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम किचन में जाओ, मैं आके बताती हूँ कि क्या बनाना है रात के खाने। ठीक है अफशा बीबी। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम, काफी दिनों के बाद आयो, तबीयत ठीक है? मामा कहाँ? दिलावर अंकल आए हुए, मामा उनके पास है, आप चले जाओ अंदर। उमर 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 मेरी बात सुनो, उमर 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 बेटा मेरी बात सुनो, उमर बाबा जल्दी से मुझे लेने आ जाए। क्यों क्या हुआ? बाबा कुछ नहीं, बस मुझे घर जाना है, आप जल्दी से मुझे पिक कर ले। अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके Thank you.
उमर देखो अब शमामिया प्लीज मुझसे बात ना करें। अच्छा चलो मैं मामा को जाके बताती हूँ कि उमर आया हुआ है, ठीक है? आप यहीं रुको। देखिए अफशा मामी, मैं बाबा का इंतजार नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा घर से। अच्छा उन्हें आने दो, मैं मामा को नहीं बताती, ठीक है? हाँ डॉक्टर साहब, मंडे की रात को मेरे हस्बैंड और उनके भाई एक पेशेंट को लेकर आए थे, वो अम्मी थी मेरी। आई थिंक बेगम नईमा, उन्होंने तो खुदकुशी की थी। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने खुदकुशी की थी? देखिए जहर उनकी पूरी बॉडी में फैल चुका था और उनकी डेथ हॉस्पिटल आने से पहले ही हो चुकी थी, शायद रास्ते में। तुमने भी कुछ नहीं खाया है और वो भी भूखी हैं। टेबल पे से ट्रे उठाओ, ऊपर ले जाओ और सुनो, अपने हाथ से खाना खिलाना उन्हें और खुद भी खाना। अब ठीक है ना? खुदकुशी तो पुलिस केस होता है, तो फिर आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? मैं तो रिपोर्ट करवाना चाह रहा था, लेकिन साकिब साहब ने कहा कि ये तो माँ बेटी का आपस में झगड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने शायद दिल बर्दाश्ताओं का जहर खा लिया। इज्जतदार लोगों की वजह से मैंने मामले को वहीं ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक शख्स की खुदकुशी से खानदान में कितनी बातें बनती हैं और कितनी ही उठती हैं। अम्मी ने खुदकुशी नहीं की, जहर दिया गया उन्हें। जहर दिया गया था, लेकिन किसने? मेरी नन ने। और अगर आप ये बात दबाते हैं या खामोश रहते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह करेंगे हम। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। कोई देर नहीं, मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन और जाकर बताऊंगी कि मेरी नन ने ही मेरी माँ को जहर देकर मारा, और आपने ये बात छुपा कर अच्छा नहीं किया डॉक्टर। और पुलिस सवाल तो करेगी डॉक्टर साहब, आपसे भी करेगी। चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ, 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। अपना ख्याल रख। खुदा हाफिज। उमर मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, पता है ना तुम्हें। अच्छा ठीक है, फिर अंकल को छोड़ दे। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। जी डॉक्टर साहब, कहिए क्या बात है? अभी कुछ ही देर पहले आपकी भाभी आई थी। मेरी भाभी? वही जिनकी मदर की डेथ हुई थी, नईमा बेगम। अच्छा क्या कह रही थी? साहब शायद उसका दिमाग खराब हो गया। वो तो ये भी कहकर गई है कि अगर मैंने केस नहीं किया तो वो खुद केस करेंगी अपनी नन के खिलाफ। मैंने बेहतर समझा कि मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। देखिए साकिब साहब, अगर वो केस करेंगी तो बात मुझ तक भी पहुंच सकती है कि मैंने उस वक्त पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया,
अगर बात मुझ तक पहुंची तो बात ज्यादा आगे बढ़ सकती है। आप बेफिक्र हैं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली माँ की मौत के बाद उसकी जहनी कैफियत जरा ठीक नहीं है। मैं उसे बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आप परेशान मत हो। खुदा हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। क्या हुआ कुछ बताओ तो सही, क्यों वापस आ गए, क्या कहा मामा ने? मैं उनसे नहीं मिला। क्यों, घर पर नहीं थी क्या? थी। अफशा मामी ने बताया दिलावर अंकल आए हुए थे। कुछ देर पहले उमर आया था। उमर आया था क्या मतलब? वापस चला गया। वापस चला गया? मुझसे मिले बगैर चला गया? दिलावर भाई का सुनते ही उसने जहांगीर भाई को कॉल करती थी, उनके साथ वापस चला गया। तुमने मुझे उसी वक्त आके क्यों नहीं बताया कि उमर आया है? वो मैं बता नहीं आ रही थी लेकिन उसने मुझे रोका। अच्छा, उसने तुम्हें रोका और तुम रुक गई? नहीं आपी, वो दिलावर भाई का सुन के अजीब सा हो गया था। अरे तो मुझे बताना तो चाहिए था ना तुम्हें, मैं उसे रोक लेती, हैंडल कर लेती किसी भी तरह। अब मुझे जाना पड़ेगा उसके पीछे फौरन। तुम कहाँ गई थी? कहाँ से आ रही हो? मैं कब्रिस्तान गई थी। क्यों? मम्मी की कब्र पर जाने को दिल चाह रहा था। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी माँ की कब्र कहाँ है और कौन से कब्रिस्तान में? नहीं पता, इसलिए वहीं बैठकर उनके लिए दुआ करके आ गई। मैंने अम्मी के साथ बहुत बुरा सलूक किया, माफी मांगना चाहती हूँ। हसन तो मुझसे बात करते ही नहीं। साकिब भाई से कहूंगी तो वो मुझे जरूर ले जाएंगे अम्मी के पास। क्या है, क्या हसन और साकिब भाई जानबूझकर अपनी बहन का गुनाह छुपा रहे हैं? क्या करूं मैं, किससे मदद मांगू? दिलावर भाई के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके, लेकिन उनसे बात कब्र कैसे करूंगी मैं? Thank you.
उमर, मुझसे मिले बगैर क्यों आ गए तुम? मिलने का कोई फायदा ही नहीं था। क्यों कह रहे हो ऐसा? आप उन अंकल के साथ थी। बेटा, मेरे लिए तुम अहम हो, वो आदमी अहम नहीं है। तुम्हें अपनी मामा पे यकीन नहीं है? अगर मैं अकेले अहम होता ना, तो आपकी जिंदगी में ना होता। उमर, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे मजबूरन करना पड़ा ये सब कुछ। तुम बार बार एक ही बात क्यों करते हो? और मैं भी आपको बता चुका हूँ, मैं किसी मजबूरी को नहीं मानता। उमर मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, पता है ना तुम्हें? अच्छा ठीक है, फिर अंकल को छोड़ दे। छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकती। प्रूव हो गया ना? तुम क्यों नहीं समझ रहे उमर? आप मुझे हमेशा बहला देती हैं, झूठ बोलती है मुझसे। बदतमीजी कर रहे हो तुम मुझसे? माँ हूं मैं तुम्हारी। वो बातें जो तुम्हारी समझ से बाहर है, वो सब समझती हूँ मैं, जानती हूँ, तुमसे बेहतर समझती हूँ मैं। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात? मुझे कुछ भी नहीं समझना, नहीं समझना, नहीं समझना, नहीं समझना। उमर वहां से आया तो बहुत डिस्टर्ब था। अच्छा हुआ माँ आ गई, प्यार से उसे बहला ले गई। सही कह रही हैं आप। तुम गई नहीं? अब तक यही मौजूद हो? बेटा, वो खुरम की वालदा की तबीयत खराब हो गई थी, उसे इमरजेंसी में जाना पड़ा। वो जो ही वापस आएगा, साथ इसको ले जाएगा। ये अपनी ड्रामेबाजी और अपने बहाने अपने पास रखो। अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि जहांगीर के साथ मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम लोग, क्या क्या मंसूबे बना रहे हो। मतलब क्या आपका? मतलब तो उस दिन समझ में आएगा जिस दिन तुम दोनों माँ बेटी को यहाँ से धक्के देके घर से निकालूंगी, और वो दिन दूर नहीं है। अपना बोरिया बिस्तर बांध के ना तैयार रहना, समझी? ये तो आए दिन की मुसीबत बन गई है, हम कब तक इसे बर्दाश्त करेंगे? मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ अम्मी, हमें आज ही यहाँ से चलना पड़ेगा, और आप मेरे साथ चल रही हैं। ठीक है बेटा, तुम जहांगीर को आ जाने दो, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। क्यों गई थी तुम वहां? ये खुदकुशी नहीं की। क्या सबूत है तुम्हारे पास? आपी ने खुद कहा है मुझसे, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अम्मी को जहर दिया था। गुल, वो तुम्हारा ख्वाब था। हकीकत में उस वक्त आपी मेरे साथ बैठी हुई थी, और तुम चीखती चिल्लाती बाहर आई और बोला कि आपी ने तुम्हारी अम्मी को जहर दिया। अच्छी तरह से जान कि आप लोग इस मामले को दबाना चाहते हैं, फिर आप लोग मेरे साथ इस तरह। अच्छा जाओ, चौक से जाओ, पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट लिखवाओ। एक बात याद रखना, को उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम हो। अभी तो ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान है कुल, लेकिन जब तुम आपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओगे तो याद रखना, इस घर में सबको पता चल जाएगा, और उस वक्त तुम्हें इस घर के दरवाजे अपने लिए बंद मिलेंगे।
मिले हुए। मैं जानती हूँ कोई मेरा साथ नहीं देगा। ना शौहर मुझे धोखा दे रहा, कहाँ जाऊँ मैं, क्यों छोड़ के चली गई मुझे। कितनी अकेली हो गई हूँ मैं आपके बगैर। बेटा देखो, तुम्हारी मामा और मेरी लड़ाई में मैं नहीं चाहता कि तुम डिस्टर्ब हो। बेटा जो हकीकत है उसे मान लो। क्या? पहले भी तो समझाया था तुम्हारी मामा ने अगर उन अंकल से शादी कर ली है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, यही रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। कभी भी नहीं। अगर मामा को मुझसे प्यार है, अगर उन्हें इस घर में आना है और मुझसे मिलना है तो उन्हें अंकल को छोड़ना पड़ेगा। कैसे समझाऊं तुम्हें? हर कोई मुझे क्यों समझाता है? आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि मेरे साथ गलत हुआ है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मामा से बात करूंगा, समझाने की कोशिश करता हूं उन्हें। मूड ठीक करो, शाबाश, चलो कहीं बाहर चलते हैं, बाहर जाकर खाना खाएंगे। मेरा मूड नहीं है। अच्छा चलो सुंदर साहबी के पास चलते हैं, आंटी से बातें करते हैं। आप चल, मैं आता हूँ। प्रॉमिस। स्माइल, शाबाश, देखो नाक कितनी मोटी हो गई। रो रो के ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? गौहर की गलत बातों को ना तो अम्मी बर्दाश्त कर सकती है और ना मैं। अच्छा, इसका मतलब है गौहर ने आप लोगों के साथ फिर बदतमीजी की है। देखो बेटा मान जाओ, खुरम भी यहाँ नहीं है, मैं सुंदस के साथ जाके आराम से रह लूंगी, प्लीज बेटा। नहीं आंटी, मैंने खुरम से वादा किया था कि मैं सुंदस का ख्याल रखूंगा। आप लोग इस तरह यहाँ से चले जाएंगे तो वो यही समझेगा कि मैंने आप लोगों को उसके जाने के बाद निकाल दिया है। मैं समझा दूंगी खुरम को, आप बस हमें यहाँ से जाने की इजाजत दे दें। हरगिज़ नहीं सुंदस। देखो बेटा, बेटा मैं तुम्हारी मजबूरी को समझती हूँ, मैं कुहर को भी जान चुकी हूँ, अपनी हरकतों से बाहर नहीं आएगी। बेटा मेरे लिए तुम अहम हो, वो आदमी अहम नहीं है। अगर मैं अकेले अहम होता ना तो वो आपकी जिंदगी में ना होते। उमर मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, पता है ना तुम्हें। अच्छा ठीक है, पर अंकल को छोड़ दे, छोड़ सकती है। आप मुझे हमेशा बहला देती हैं, झूठ बोलती है मुझसे, मुझे कुछ भी नहीं समझना, नहीं समझना, नहीं समझना, नहीं समझना। गौहर, सब से रिश्ते खत्म करने के बावजूद भी क्यों हम सबकी जिंदगियों पर अजाब बनी हुई हो तुम? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, वो मेरा घर है, वहां के मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जिस मामले की भी बात कर रहे हो,
अगर वो मेरे बेटे की जिंदगी पर असर अंदाज होगा तो मैं दखल अंदाजी भी करूंगी और बोलूंगी भी। कोई लिहाज नहीं है तुम्हें उम्र का, और ये जो तुम हरकतें कर रही हो ना, इस वजह से उसकी जिंदगी पर जो असर हो रहा है उसका भी कोई एहसास नहीं है तुम्हें। चुप, तुम बड़े एहसास वाले हो, बड़े नरम दिल हो। हाँ हूँ, और अगर कोई गलत करेगा तो छोड़ूंगा नहीं उसे। मेरे बार बार मना करने के बावजूद तुम आंटी से बदतमीजी करती हो। आज के बाद उनसे कोई गलत बात की तो मैं बिगाड़ लोगे मेरा तो। तुम्हारे सारे खेल ना अच्छी तरह समझती हूँ मैं। क्या खेल खेला है, क्या खेल खेला है मैंने? मेरे डर की वजह से सुंदर का निकाह करवा दिया और उस लड़के को चलता किया ताकि तुम्हारी राहें खुल जाएं। हाँ और बस जहांगीर, सच बोला तो कड़वा लगा तुम्हें। हाँ जो बकवास तुमने करनी थी कर ली। आज के बाद अगर आंटी से तुमने कोई गलत बात की या कोई उनसे बदतमीजी की तो मेरे घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, और उमर से भी नहीं मिलने दूंगा मैं तुम्हें। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ जहांगीर। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे उमर से मिलने से। देखती हूँ मैं, समझे तुम? उन दोनों मां बेटियों की वजह से मुझ पे चिल्ला के गया है, धमकी देता है मुझे, वो भी उमर की। इतना कमजोर समझावा है गौर को? अभी ये मुझे जानता नहीं है, जानता नहीं है मुझे। सुंदर के चेहरे पे तेजाब फेंकवा के जला दूंगी उसे, और उसकी माँ वो बुढ़िया से देखते ही मर जाएगी। खत्म कर दूंगी सब कुछ, खत्म कर दूंगी। आपी, फौरन मेरे साथ ऊपर चलें, अफशा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है। या अल्लाह खैर, चलो सर सर। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे।